सीट पर वो बढ़त बनाई हुई है। तेलंगाना में, राजस्थान में टाई, 5-5, कांग्रेस 5, बीजेपी 5, और मध्य प्रदेश में देखिए कांग्रेस आगे बढ़ती हुई, 8 सीट पर कांग्रेस आगे, 5 सीट पर बीजेपी, अदर्स के खाते में शून्य है। राजस्थान में देखिए 5 और 5 टैली जो है वो फिर टाई हो गई है, बीजेपी 2 कांग्रेस 2, यानी अगर हम तीनों राज्यों की बात करें बीजेपी 3 कांग्रेस 6, बीजेपी 3 कांग्रेस 6, कांग्रेस जो है वो दुगनी सीटों पर आगे हो गई है। छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें आंकड़े की, तो इस समय कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश देखिए बढ़ता हुआ, 9 बीजेपी आगे निकल गई है, 6 पर कांग्रेस, 9 पर बीजेपी, 6 पर कांग्रेस। राजस्थान में 5 पर बीजेपी, 5 पर कांग्रेस। तेलंगाना में 1-1 दोनों, BRS और AIIM और 3-6 लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस अपना खाता खोल पाई है, ना बीजेपी अपना खाता खोल पाई है। और देखिए मध्य प्रदेश 9-6 बीजेपी 6 कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में 3 बीजेपी 6 कांग्रेस, राजस्थान में देखिए बीजेपी 8 पर और कांग्रेस 6 पर। बिल्कुल ये पहले रुझान जैसा कि एग्जिट पोल में एकदम बना हुआ था कि रोमांच बना हुआ था, ये जो बैलेट पेपर के जो जो पोस्टल बैलेट के रिजल्ट आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में 10-6 हो चुके हैं, बीजेपी 10 कांग्रेस 6 और छत्तीसगढ़ में 3-6 की लड़ाई है, राजस्थान में 8-6 10-8 मध्य प्रदेश में 8 कांग्रेस के खाते में, 10 बीजेपी के खाते में, उधर BRS की 3 हो चुकी है तेलंगाना में, असुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 1 सीट, राजस्थान की अगर